जय हिंद फ्रेंड्स। और आज के अपने लेक्चर में हम लोग जीएस में पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजव्यवस्था। और हम इसे वनडे एग्जाम्स के हिसाब से देखेंगे और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। डिटेल में इसलिए कि क्योंकि कभी भी कोई प्रश्न ऊपर नीचे अगर दोस्तों आ जाए, कभी कोई कठिन प्रश्न आ जाए तो वो भी हमारा चूके ना। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम लोग वनडे एग्जाम के हिसाब से थोड़े से शब्द पढ़ लिए और फैक्ट देख लिए, बट कभी कभी आजकल पेपर बनाने वाले भी इस बात को समझ चुके हैं और वो पेपर का स्तर लगातार सुधारते जा रहे हैं। चाहे आप एमटीएस का पेपर देखो, चाहे कांस्टेबल का देखिए, जो पिछले 3-4 साल से आप देख रहे हो कि ट्रेंड बदलने लगा है, खासकर एमटीएस में तो ये लगातार देखने में आया कि वो अपना 10+2 और सीजीएल स्तर को भी छूने लगे हैं अपने पेपर में। तो हम लोग हल्का सा डीप में जाएंगे, बट अभी हम लोग राजव्यवस्था में सबसे पहला टॉपिक जो संविधान की आधारशिला है, संविधान समझने के लिए बहुत ज़रूरी है और जिसमें संविधान का दर्शन छुपा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, संविधान का दर्शन मतलब संविधान में क्या लिखा है, संविधान किस चीज़ की बात कर रहा है, ये सारी बातें हमें प्रस्तावना में देखने को मिलेंगी। और प्रस्तावना इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इतना महत्वपूर्ण अंग है इस संविधान का कि बिना इसके हम संविधान में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें भारतीय संविधान को समझना है तो हमें इसको देखना ही होगा, पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत से भारतीय विद्वानों ने, बल्कि आप कहें तो विदेशी विद्वानों ने, जिनमें से ग्रीनविल ऑस्टिन और अर्नेस्ट बेकर सर का नाम बहुत सुनने में आता है। अर्नेस्ट बेकर ने तो यहाँ तक का अपने जो राजव्यवस्था पर पुस्तक लिखी है उसकी प्रस्तावना, उसके इंट्रोडक्शन में भारत के संविधान की प्रस्तावना का जिक्र किया है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अपनी पुस्तक में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख कर रहे हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना होता क्या है? प्रस्तावना किसी भी पुस्तक का आमुख की तरह है। आमुख मतलब प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, कि उस पुस्तक में आगे अंदर क्या लिखा है, वो किस टॉपिक की बात कर रही है और उसमें क्या होने वाला है। तो इसी प्रकार हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है जो कि ये बताती है कि हमारे संविधान में सत्ता का स्रोत क्या है, सत्ता के उद्देश्य क्या हैं और सत्ता का स्रोत कौन सा है और सत्ता की व्यवस्था किस प्रकार की होगी, सत्ता का स्वरूप कैसा होगा, ये तीनों बातें करते हैं। तो हम बारी बारी से इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम एक बार संविधान की प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता सुनिश्चित करने के लिए एतद् द्वारा इस संविधान को, इसमें आगे इसका डेट का भी उल्लेख मिलता है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, आत्मार्पित तथा अधिनियमित करते हैं। एतद् द्वारा इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं। अब दोस्तों यहां से हमें सबसे पहले अपने पेपर के हिसाब से देखना है। तो हम सबसे पहले इसको देखें तो सत्ता का स्रोत कौन है? हम भारत के लोग इस सत्ता का स्रोत हैं। यानी कि ये जो भारत का संविधान तैयार हो रहा है, ये किसकी शक्ति के जरिए तैयार हो रहा है? हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब कि जो देश किसी भी अन्य देश पर अपने बाहरी और आंतरिक निर्णयों के लिए डिपेंड नहीं होगा, किसी पर निर्भर नहीं होगा, अर्थात स्वतंत्र रूप से निर्णय ले। जैसे कि हमारा भारत देश, हम चाहे रूस से तेल खरीदें चाहे अमेरिका से, इससे हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं इस निर्णय को लेने के लिए। इसके बाद समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, अब समाजवादी और पंथ निरपेक्ष पे आप देख रहे होंगे मैंने नोटेशन लिखी है 1-2, ठीक। तो 1 और 2 का मतलब क्या, ये शब्द संविधान में आरंभ में नहीं थे, प्रस्तावना में आरंभ में नहीं थे और इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अब दोस्तों हमने ये देखा सत्ता का स्रोत भारत के लोग हैं, सत्ता का स्वरूप कैसा होगा? तो स्वरूप में सबसे पहले भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, अर्थात वह किसी पर भी डिपेंड नहीं है, ना ही अंदरूनी निर्णयों के लिए ना ही बाहरी निर्णयों के लिए। समाजवादी का अर्थ क्या होता है?
समाजवादी मतलब कि समाज में सभी को एक समान दर्जा मिले, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, यानी कि असमानता की समाप्ति हो और मजदूरों और पिछड़े वर्गों का शोषण ना हो। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये पेपर में क्वेश्चन कई बार आ चुका है। पंथ निरपेक्ष का सबसे अच्छा अर्थ होता है ऐसा राज्य, ऐसा देश जिसका कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अर्थात ऐसा राज्य जिसका कोई आधिकारिक धर्म ना हो, जो नागरिकों में धर्म के आधार पर भेदभाव ना करे और जहाँ पर प्रत्येक नागरिक अपने धर्म के अनुसार स्वतंत्रता की प्राप्ति कर रहा हो, अर्थात अपना धर्म अपने हिसाब से मान सकता हो। और भारत में ये तीनों लक्षण मौजूद हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण है पंथ निरपेक्ष का मतलब राज्य का कोई आधिकारिक धर्म ना हो। जैसे कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है क्योंकि यहाँ कोई धर्म नहीं है, परंतु हमारा पड़ोसी पाकिस्तान वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ पर वो क्या है, वो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। तो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था भारत में क्योंकि जनता का शासन है, जनता के लिए और जनता के द्वारा ही चुनकर लोग आते हैं। गणराज्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? गणराज्य का मतलब होता है एक ऐसा राज्य जहाँ का जो हेड होगा, हेड ऑफ द स्टेट होगा, वो चुनकर आएगा। अर्थात भारत में हेड ऑफ द स्टेट राज्य का प्रमुख कौन है? राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो भारत एक गणतंत्र है। वहीं अगर हम ब्रिटेन की बात करें दोस्तों, तो ब्रिटेन लोकतंत्र तो है परंतु गणतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन का जो हेड ऑफ द स्टेट है, राज्य का प्रमुख है, वो वहाँ की क्वीन या किंग होते हैं और वो चुनकर नहीं आते हैं, वह एक आनुवंशिक पद है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत एक गणराज्य है लेकिन ब्रिटेन गणराज्य नहीं है। भारत में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, इन सभी के हमने मतलब देख लिए। अब दोस्तों सबसे पहले पेपर के हिसाब से हमेशा याद रखना, जो वनडे एग्जाम्स में लगातार पूछा जाता है कि समाजवादी शब्द कौन से संशोधन से जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द कौन से संशोधन से जोड़ा गया, तो ये दोनों ही शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। ठीक। अब दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये पेपरों में बार बार प्रश्न आया है, यूपी के हर पेपर में पूछा गया है। कितने प्रकार का न्याय? तो तीन प्रकार का न्याय देने की बात की गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है प्रस्तावना में? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना। तो कितनी? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक। समता या समानता, यहाँ समता का अर्थ समानता से ही है, यहाँ पर समता का अर्थ समानता से ही है। तो समता कितने प्रकार की है दोस्तों? 2 प्रकार की समता है, 2 प्रकार की समता है। और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो एकता आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने नोटेशन नंबर 3 लिखा है अखंडता पर, अखंडता पर नोटेशन 3 लिखा है। अखंडता शब्द भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, अखंडता शब्द भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि कितने प्रकार का न्याय है, तो 3 प्रकार का न्याय है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। समानता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। व्यक्ति की गरिमा 1 प्रकार की, राष्ट्र की एकता और अखंडता 1-1 प्रकार की, जिसमें अखंडता 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। अब इसके बाद प्रस्तावना में ही एक डेट का उल्लेख है, जो डेट, जिस डेट को संविधान बनकर तैयार हुआ और जो वर्तमान में संविधान दिवस भी इस डेट को मनाया जाता है। 2015 से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में संविधान, जब 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ था, उस तिथि से संविधान दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो ये संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर 1949। ठीक, 26 नवंबर 1949। तो ये डेट भी प्रस्तावना में ही देखने को मिलती है। तो अगर आपके पास प्रश्न आ जाए, प्रस्तावना में ये 3 शब्द लिखे हैं, अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित, अगर आपके पास शब्द आ जाए कि भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया, तो आप याद रखेंगे दोस्तों कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। यही संविधान के क्या कहते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित होने की तिथि है। इसी तिथि को संविधान दिवस वर्तमान में मनाया जा रहा है 2015 से। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब दोस्तों थोड़ा सा हमने अभी ये देखा, थोड़ा सा हम इसके पीछे चलेंगे कि प्रस्तावना का बैकग्राउंड कैसे बना था।
तो बैकग्राउंड ऐसे बना दोस्तों कि उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी के द्वारा लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। ये उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर इस प्रस्तावना की आधारशिला बना। इस उद्देश्य प्रस्ताव के कुछ पॉइंट इस प्रकार हैं कि जैसे भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य होगा, यहाँ पर किसी भी बाहरी और आंतरिक शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा, भारत की संविधान सभा पूर्णतः स्वतंत्र होगी, वह अपने लिए किसी भी प्रकार का संविधान बना सकती है, इसके अलावा कोई भी राज्य चाहे तो भारत में शामिल हो सकता है, भारत में प्रतिष्ठा अवसर की समानता होगी, राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, सभी को सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं उपलब्ध होंगी आदि आदि, ये उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा हुआ था। 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कर लिया गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना की आधारशिला बना। तो दोस्तों यहाँ से अब आप देख सकते हो कि उद्देश्य प्रस्ताव ही, जो उद्देश्य प्रस्ताव कब आया, पहले आपको ये डेट याद रखनी है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया। उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। दो प्रश्न यहाँ से बने, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, तो तीन सवाल यहाँ से आपके कवर हुए उद्देश्य प्रस्ताव अकेले से। और इसी प्रकार आप प्रस्तावना भी देख सकते हो, तो प्रस्तावना में अलग अलग प्रश्न आप कवर करोगे। सबसे पहले प्रस्तावना में प्रश्न क्या होगा कि कौन से शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए, तो समाजवादी एक प्रश्न 42वें संशोधन से, पंथ निरपेक्ष दो प्रश्न 42वें संशोधन से, अखंडता, राष्ट्र की अखंडता, एकता और अखंडता में अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन से, तो 42वें संविधान संशोधन से तीन शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यहाँ से तीन प्रश्न आपके और कवर हुए, तो 3 और 3 6 हो गए। अब इसके बाद यहाँ पर प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई, 3 प्रकार के न्याय की बात, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात, 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात, कितने प्रकार की समानता की बात, 2 प्रकार के समानता की बात। ये प्रश्न दोस्तों पीसीएस आरओ में और एमपीपीसीएस में तीनों चारों जगह ये प्रश्न आ चुका है, और वनडे एग्जाम वाले भी अभी सेंट्रल सीबीआई का एक पेपर हुआ था वहाँ पे भी ये प्रश्न आया था। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं कि प्रस्तावना हमारी क्या है और किस प्रकार से ये जाती है। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और आप याद रखना, एक केस हुआ था बेरुबारी केस, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, परंतु वर्तमान में केशवानंद भारती केस के बाद से सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, परंतु प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात इसके आधार पर आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, या न्याय संगत नहीं है, या न्यायोचित नहीं है, या इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इससे संबंधित कुछ तथ्य हम आगे और देख लेंगे। जय श्री राम।